वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट पार्टी। आज की जो वीडियो है वो है डिफरेंट आइडियाज़ फॉर इवनिंग स्नैक्स। बच्चों को शाम को भूख लगती है जब हम कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं, डेली क्या डिफरेंट दे समझ नहीं आता, तो दूध बिस्किट बटर ब्रेड इनसे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपीज़ लाई हूँ डिफरेंट है, जो ब्रेड से आप बना सकते हैं एंड क्विक आइडियाज़ हैं। तो वॉच माय वीडियो टिल एंड, क्योंकि मल्टीपल आइडियाज़ है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ज़रूर देखिए एंड आप मुझे बताइए आपने कौन सा अपने बच्चों को दिया और उनको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, डू गिव इट अ थम्स अप। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड बनाना। तो हमें इनके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो चाहिए मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। तो मैंने मिक्स वाला चीज़ लिया, मार्केट में आपको चेडर और मोज़रेला का मिक्स चीज़ मिलता है, मैंने वो यूज़ किया है। हमें मेयोनीज चाहिए, बटर चाहिए, गार्लिक चाहिए, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन अनियंस का ग्रीन्स। तो अब हम चीज़ में मेयोनीज डालेंगे, गार्लिक डालेंगे, हर्ब्स डालेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन्स और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, बटर लगाएंगे। बटर एकदम फ्रिज का नहीं होना चाहिए, हल्का सॉफ्ट होना चाहिए कि ब्रेड पे वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो जब बटर स्प्रेड कर दिया तो हम इसके ऊपर जो चीज़ है मिक्सचर बनाया वो स्प्रेड कर देंगे। अच्छा क्वांटिटी आप स्प्रेड कीजिए, कम ना कीजिए, बिकॉज हम ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। तो अब मैंने पैन लिया है, पैन में आप बटर या घी डाल सकते हैं, मैंने घी डाला है। एंड जब घी मेल्ट हो गया तो हमने ब्रेड डाल दी एंड एकदम सिम आंच पे हमने ब्रेड को ढक के रख दिया। एंड बीच में चेक कर लीजिए, अब आप देखिए हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई है। एंड मैं आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी हुई है, देख रहे हैं। तो अब ये हमने निकाल ली है, हम इसको काट लेंगे। पहले मैंने बीच से काटा एंड देन जो हमने काटा उन्हें फर्दर और काट लिया है। एकदम टेस्टी यमी एंड क्विक इवनिंग स्नैक्स है। आप बच्चों को टेस्ट कराइए, दे वुड लव इट। अब हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं। ये है हमारा ब्रेड रोल। ये हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, हमने पनीर लिया है। पनीर को आप चाहे ग्रेट कर लीजिए, चाहे मैश कर लीजिए। हमें केचप चाहिए, अनियन चाहिए, कैरेट चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, सब्जी अपनी पसंद से ले सकते हैं, बटर चाहिए, ग्रीन चटनी चाहिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको ऊपर भी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। पैन लिया है, इसको हीट करेंगे एंड इसमें हम बटर डालेंगे। जब भी बटर डालें तो थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, या बटर को पूरा मेल्ट मत होने दीजिए, अदरवाइज वो सड़ जाएगा। अब जब बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो हम इसमें अनियन डाले हैं, अनियन को सॉटे करेंगे। अब जब अनियन हमारे देखें लाइट पिंक हो गए हैं, फिर हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे।
जो आपके बच्चों को पसंद है आप वो डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है इनमें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने गाजर को ग्रेट करके और बारीक काट के दोनों डाला है। एंड अब हम इसको सॉटे करेंगे, इसमें हम केचप डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, पनीर डाल लें, मैं इस स्टेज पे सॉल्ट, मिक्स हर्ब, ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आप चाहे तो जब सब्जी को सॉटे कर रहे हो उस समय भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। एंड जो ब्रेड है उसका हम साइड्स काट लेंगे, और ये जो साइड्स काटे हैं डिस्पोज ऑफ मत कीजिए, आप इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब जब साइड काट लें इसको रोल कर लेंगे रोलिंग पिन से और पतला कर लेंगे, इवनली स्प्रेड कर लीजिए, ऐसा नहीं कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, अगर कहीं पे आपको लगे तो साइड पलट के भी एक बारी रोल कर लीजिए। अब मेरी एक ब्रेड हो गई, मैं सिमिलरली सेकेंड ब्रेड के साथ कर रही हूँ। अब हम जो ग्रीन चटनी लिए हैं वो लगा देंगे, एंड जो पनीर का मिक्सचर हम बनाए हैं उसको हम छोटा रोल कर लेंगे हाथ में, जैसे कटलेट्स के लिए होता है, अब वो हम रखेंगे एंड ब्रेड को पूरा टाइटली रोल करेंगे। सिमिलरली मैं दूसरी ब्रेड के लिए भी कर दिया। अब हम दोनों ब्रेड्स को अच्छे से टाइटली रोल करेंगे, सेम हम दूसरी ब्रेड के साथ करेंगे। अब हम पैन लिए हैं, पैन में बटर डाले हैं, बटर मेल्ट हो गया, फिर हम ब्रेड्स जो रोल किए हैं वो रखेंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे सारी तरफ से कि क्रिस्पी हो जाए। 2-3 मिनट्स हो गए ब्रेड को, तो हम साइड पलट रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हो रही है। अब आप देखिए हमारी सारी तरफ से हो गई थी तो हमने निकाल लिया है। आप इसे कोई भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, मैंने साउथ वेस्ट के साथ की, अब जो बच्चों को पसंद हो उसके साथ। अब नेक्स्ट है ब्रेड पोहा की रेसिपी। तो ब्रेड पोहा के लिए हमने ब्रेड ली है, पीनट्स लिए हैं, अनियन, गाजर, कैप्सिकम, घी, सॉल्ट। अब ब्रेड हम काट लेंगे, अब पैन लिया इसको हीट करेंगे और इसमें हम बटर डाल देंगे। जब बटर मेल्ट हो गया तो हम पीनट्स डालेंगे और ब्रेड्स डालेंगे और ब्रेड्स को अच्छे से सेक लेंगे। जब वो हल्का हल्का क्रिस्पी हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। अब हमने पैन में और घी डाला है, इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरा सॉटे हो गया, फिर हम इसमें अनियंस डालेंगे। अनियंस को हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, जब वो लाइट पिंक हो जाएगा फिर हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे एंड इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब सब्जी सॉटे हो गई तो हम इसमें केचप डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमने जो सब्जी है उसको गलाना है। बीच बीच में आप देखते रहिए, जब आपको पानी की कमी लगे तो थोड़ा और पानी डाल लीजिए। अब मेरी जो सब्ज़ी है ये ऑलमोस्ट डन है, तो हम इसमें ब्रेड और जो हमने पीनट्स को सॉटे किया था वो डाल देंगे। इजंट इट लुकिंग टेम्प्टिंग। अब फाइनली हम इसमें नींबू डालेंगे एंड थोड़ा सा धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और बच्चे इसको बहुत टेस्ट से खाते हैं।
अब हम नेक्स्ट रेसिपी देखते हैं। जो नेक्स्ट रेसिपी है वो सैंडविच की है, बट हेल्दियर वे है। तो मैंने हंक दही जो है उसे आधे घंटे के लिए कॉटन के उसमें कपड़े में डाल के हैंग कर दिया था। जो उसका वे था वो निकल गया, थिक दही आ गया। तो हमने दही में सब्जियाँ डालिए, जो भी आपके बच्चों को पसंद है आप वो सब्जियाँ डालिए। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चा तीखा खा लेते तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैंने कोरिएंडर डाला है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, फिर हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड पे बटर लगाएंगे। अगेन जो बटर है वो बहुत हार्ड नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है, इसलिए अच्छे से स्प्रेड हो रहा है ब्रेड पे। अब हमने दोनों ब्रेड पे लगा दिया, तो हम जो हमने दही वाला मिक्सचर बनाया है वो स्प्रेड करेंगे। मेयोनीज नहीं डाली है, इसलिए ये मेयोनीज वाली ब्रेड से बेटर है। अब मैंने, आप देख रहे हैं, बटर जो है ऊपर वाली तरफ छोड़ा है क्योंकि हम इसे सेकेंगे। तो मैंने पैन को हीट कर दिया और ब्रेड रख दी है। थोड़ा सा हम इसमें घी भी डाल लेंगे नीचे, कि जो ब्रेड है उसमें क्रिस्पीनेस दोनों तरफ से आ जाए। अब मेरा हो गया है दोनों तरफ से, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है जहाँ पे बटर था। अब हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा प्रेस करके उसको भी और थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। एंड ये हमारा सैंडविच रेडी है, हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, इजंट इट लुकिंग टेम्पटिंग। ये मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया, आप टमाटो केचप या जो बच्चों को पसंद हो आप उसके साथ सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। नेक्स्ट इज एवरीवन्स फेवरेट, विच इज़ फ्रेंच टोस्ट। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत जल्दी बनता है। एग लिया है, एग को हम तोड़ेंगे एंड देन इसमें सॉल्ट, रेड चिली डालेंगे, रेड चिली पाउडर, और अच्छे से बीट करेंगे। तो अब हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, इसको हम अच्छे से बीट करेंगे जब तक एक इवन टेक्सचर ना आ जाए एग का। क्योंकि आप जितना ज़्यादा बीट करेंगे एग जो है उतना ज़्यादा उसमें एयर जाएगी और फाइन हो जाएगा। अब हम ब्रेड जो है इसको काट लेंगे, क्योंकि बच्चों को देना है इसलिए मैंने पहले तो डबल काटा एंड देन उसको फिर से बीच से काट लिया। अब हमने पैन लिया है, उसको हम हीट कर लेंगे एंड उसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब ये जो है हम इसको फिर एक काट लेंगे, क्योंकि बच्चों को देना है, बच्चों को जितना छोटा होएगा और इवनिंग में खाना है उतना उनके लिए ये वन बाइट बन जाएगा, कि वो एक बाइट में या दो बाइट में मैक्सिमम इसको खा लेंगे। अब जो हमारा पैन है वो भी हीट हो गया, बटर जो घी डाला था वो मेल्ट हो गया है, तो हम इसमें ब्रेड डालेंगे। क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने किसी भी, आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट में हरी मिर्ची नहीं डाली है, बट अगर आपके बच्चे मिर्ची खा लेते हैं तो आप ग्रीन चिली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब हमारा एक तरफ से हो गया तो हम इसकी साइड पलट देंगे। अब क्या होता है, ब्रेड में एग लगा है तो एग थोड़ा सा बाहर स्प्रेड हो जाता है। तो आप जब भी ब्रेड को पलटने लगे तो पहले उसकी साइड से काट लीजिए, कि जो भी अंडा ना तो ये ना हो, या पलट रहे हैं दूसरी ब्रेड भी पलटे और वो बीच से टूट जाए। अब देखिए जैसे ये सारी आपस में चिपकी हुई हैं, इसलिए मैं इनको काट लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, डू लाइक इट, और जो भी आपको इनमें से आइडियाज़ पसंद हो या आपने पहले ट्राई कर रखे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताइए नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आप स्नैक्स आइटम्स ही देखना चाहते हैं तो किस टाइप के देखना चाहेंगे, वेज नॉन वेज में, आप ज़रूर बताइए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने की कोशिश डेफिनेटली करूँगी। देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पीनेस आ रही है ब्रेड्स में। आपको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे आंच पे आप बनाइए, बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी बनता है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा था। अब जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है ब्रेड पिज़्ज़ा की। ये बच्चों का फेवरेट होता है एंड ये बनाना भी बहुत आसान है। केचप ली हूँ और थोड़ी सी हमने चिली सॉस लिया है। अराउंड मैंने 4 टेबलस्पून केचप लिया है, 1 टेबलस्पून हमने चिली सॉस लिया है। सॉल्ट लेंगे थोड़ा सा, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स मैं बहुत हल्का डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चिली सॉस डाली है और मेरे बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते और हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस जो होती है मार्केट में अवेलेबल वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ब्रेड लिए हैं, अब हम बटर स्प्रेड करेंगे। इस पे जो हमने सॉस बनाई है वो स्प्रेड करेंगे। हम बटर इसलिए लगाए हैं कि जो ब्रेड है जब हम इसको सेके तो जब नीचे से भाप जाएगी तो वो क्रिस्पीनेस रहना, तो ब्रेड जब हम सॉस लगाएंगे तो थोड़ी सॉगी हो जाएगी, तो इसलिए बटर लगाए कि जब हम इसे सेकेंगे हल्की आंच पे तो वो क्रिस्पीनेस ब्रेड में रहेगी और वो सॉगी ना हुए। और अब देखिए जो मैं सॉस भी लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं लगा रही हूँ जैसे हम जो पिज़्ज़ा बेस होती है उस पर लगाते हैं, क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड पतली होती है एंड पोरस होती है तो इसमें चांसेस की सौगीपन के ज़्यादा होते हैं। तो जब हमने सॉस लगा दी, इस पर हम वेजिटेबल्स लगाएंगे, अगेन एज पर योर किड्स चॉइसेस। अब हम चीज़ डाल रहे हैं। ये प्री ग्रेटेड चीज़ थी जो मार्केट में मिलती है और खूब सारी डालिए क्योंकि जो ब्रेड पिज़्ज़ा है ये चीज़ ही अच्छा लगता है। और अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो डाल देंगे। बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि जो हमने सॉस है उसमें भी डाली हुई है। पैन को हीट कर लिया है एंड ब्रेड को हम रख देंगे एंड एकदम से आंच पे हम इसे बनाएंगे। अब आप देखिए जो हमारी चीज़ है एकदम मेल्ट हो गई है एंड जो ब्रेड है उसका क्रिस्पीनेस नहीं गया है, इट इज़ एज क्रिस्पी एज इट शुड बी क्योंकि हमने इसमें बटर लगाया था। अगर आप बटर नहीं लगाते, वो स्टेप स्किप कर देंगे तो जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसको चाहे बीच से काट के चाहे ऐसे ही बच्चों को सर्व कीजिए, दिल इंजॉय इट। डू लेट मी नो आपको ये आइडियाज़ ब्रेड के इवनिंग स्नैक्स के कैसे लगे एंड कौन सा आपने ट्राई किया हुआ है, आपके बच्चों का कौन सा फेवरेट है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल बटन। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो डू लाइक शेयर कमेंट एंड स्प्रेड टू एज मैनी पीपल एज यू नो। थैंक यू, कीप लविंग टेस्ट बड।